सब्जियां सारी कटकर रेडी हो चुकी है। अब हम सूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तेल आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। आज मैं पहली बार इसे बनाने जा रही हूँ नारियल के तेल में। इससे पहले मैंने ऑलिव ऑयल यूज किया है और बटर यूज किया है, तो देखते हैं नारियल के तेल में इसका टेस्ट कैसा आता है। फिर एक एक करके हम सब्जियां डालना शुरू करते हैं। सारी सब्जियां डालकर आप अच्छे से इसे मिला लें। जब सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। आपने नोट किया होगा मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। बात जब सात्विक भोजन की आती है तब हमें तेल की मात्रा, मिर्च मसालों की मात्रा और नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए। सात्विक भोजन की सुंदरता इसी में है। तो नमक डालने के बाद हमने इसे ढककर 3 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। देख सकते हैं सब्जियां किस तरह से पक चुकी हैं। एक चीज का ध्यान रहे कि सब्जियों को ज्यादा भी नहीं पका देना है, नहीं तो ये गल जाएंगी जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाफ कुक्ड रखिए और उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें पानी। पानी आप अंदाजे से डालिए, जितने भी लोगों का सूप बना रहे हैं उस हिसाब से। मैं यहाँ 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैंने 2 से 3 छोटे बोल्स पानी डाल दिया है और उसके बाद हमने ऐड किया है इसमें कॉर्नफ्लावर। तो क्योंकि मैंने इसमें बॉइल्ड वाटर यूज किया था तो इसे ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। ढककर हम सिर्फ 1 से 2 बार इस पे उफान आने देंगे। जब ये उबलने लगेगा तो हम गैस बंद कर सकते हैं। तो ये लीजिए, रेडी है हमारा होममेड हेल्दी वेजिटेबल सूप जो कि है सात्विक विदाउट अनियन एंड गार्लिक। थाना कितना आसान। आपके घर में जितनी भी सब्जियां हो आप वो सारी सब्जियां डालकर इसे बना सकते हो। ये बहुत ही डिलिशियस बनने वाला है। और तो और बच्चे, बूढ़े, बड़े, बीमार, स्वस्थ सभी तरह के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है और बहुत ही टेस्टी है। पहले इसमें डालिए तुलसी का पत्ता, लगाइए इसे भगवान को भोग और इस प्रसाद का आप सब मिलकर अपनी फैमिली के साथ आनंद लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।